नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशन ट्रेनर एंड स्पीकर। आप सब लोगों का आपके अपने प्यारे चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से अभिनंदन करता हूँ। GTPLSB मॉर्निंग न्यूज विद मोटिवेशन थॉट में आपका खुला स्वागत है। पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मैं कल अपनी मॉर्निंग वाली वीडियो आपके पास नहीं भेज सका, क्योंकि मैं कल सुबह 5 बजे उठने के बाद दिल्ली गया था, जैसे मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है। लोकेश सर से मीटअप था मेरा कुछ बातों पर, और इसलिए मैं वो वीडियो शूट नहीं कर पाया सुबह वाली, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इसलिए अब मैं आज की वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का मोटिवेशनल थॉट आपके जो दिमाग की नसें हैं वो खोल देंगे, और अगर आपके दिमाग की नसें खुल जाएंगे तो आपका दिमाग सक्रिय हो जाएगा और आप ऊंचा सोचेंगे और हमेशा तरक्की की सोचेंगे। देखिए, अपने लिए तो सब करते हैं, अपने लिए तो सब कार्य करते हैं, दूसरों के लिए काम करो, परोपकार की भावना आपके अंदर जगाओ। खुद को अगर जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो। समझ गए बात को? खुद को अगर जिंदा समझते हो, अगर यू आर थिंक दैट यू आर लाइव, प्लीज अपोज बैड थिंग्स। खुद को अगर जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहर के साथ लाशें भाग करती हैं, तैराक नहीं। समझ गए आप? तो हमेशा गलत का साथ मत दो, सत्य का साथ दो, क्योंकि तैराक कभी लहरों में नहीं बहेंगे, लाशें बहती हैं। और लाशों का मतलब ये है कि जैसे लोग हैं वो कुछ बोलते ही नहीं है, लाश के समान है। सोसाइटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि सोसाइटी हमारी है, इसको जैसा हम चाहेंगे ऐसी बननी चाहिए, अच्छी बननी चाहिए। दोबारा बोलता हूँ, खुद को अगर जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहर के साथ लाशें भाग करती हैं, तैराक नहीं। नंबर एक बात। नंबर दो बात, नियत साफ और मकसद सही हो तो, नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। मैं पहले से बोलता रहा हूं कि अगर आपका कोई कोच निर्मल है, साफ है, अच्छा है, आपका गोल कोई अच्छा है, तो इस संसार की जितनी भी गुड एनर्जी हैं वो आपके साथ होंगी। और इसका उदाहरण है, मैंने कल मीटअप किया लोकेश सर से एक अच्छे कोच के लिए, आप सबके लिए, हम सबके लिए। तो आज ही एक स्टेट 24 है जो हमारे मित्र हैं, वो खुलकर इसके सपोर्ट में आ गए हैं। उन्होंने वीडियो डाली है, अभी जितनी मेरी बात हैं उनको शेयर किया है बच्चों से अपने चैनल के थ्रू। तो मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो अपने बच्चों को बताएं कि ये हो रहा है और ये होना चाहिए, क्योंकि सच के साथ हमेशा रहो। और मैं ये बोलता हूँ कि सच की हमेशा विजय होती है, आज नहीं तो कल, उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। तो कल DTPLSB में क्या हुआ, कल संडे था, कल कुछ भी नहीं हुआ, केवल हम लोग ही इधर से उधर भागते रहे। और कल संडे था, संडे का टाइम थोड़ा फ्री होता है, तो हमने कल मीटअप किया सुबह से लेके शाम तक, यही बातें चलती रही। और जो बातें हुई थी, मैं दो वीडियो डाल चुका हूँ, एक तो डायरेक्टर लोकेश सर के साथ जो हुई थी वो वीडियो डाल चुका हूँ, और क्या क्या डिस्कशन हुआ, क्या क्या पॉइंट थे, वो भी मैं दूसरी वीडियो डाल चुका हूँ। और अब मैं आप सब लोगों से यही कहता हूँ, मैंने जो दो कोट डाले हैं ये इसी के ऊपर हैं, नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपका साथ देता है, और वो मैंने बोला ही है पहला कोट। तो आप भी आइए इस मुहिम में साथ दीजिए, साथ चलते हैं हम सब लोग, क्योंकि आज आप खुद भोग रहे हैं, कल को आपकी संतानें भोगेंगी, तो उससे अच्छा है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको कोई कष्ट न हो। तो इसको पर्सनल लीजिए, ये नहीं कि वो करेगा वो या वो करेगा, मैं इसको पर्सनल ले रहा हूँ, और जहाँ तक मुझसे होगा मैं वहाँ तक जाऊँगा, ठीक है। और बस आपकी सपोर्ट चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके। और मुझे इतनी हौसला अफजाई मिली है आपके कमेंट्स पढ़कर, सच में सभी को, जितने भी जिसने भी कमेंट डाला है उन सबको हैट्स ऑफ,
सैल्यूट है आप लोगों को, आपके जज्बे को सैल्यूट है। जितने भी कमेंट्स मेरे पास आए हैं सभी बच्चों को हैट्स ऑफ, रियली मैं लाइक करता हूं ऐसे बच्चों को जो सही कोच में सही बात बोलते हैं और साथ चलने की कुवत रखते हैं। चलिए बच्चों, और जो मेरे कोलिग्स हैं, साथी हैं, जितने यूट्यूबर्स हैं, सबको धन्यवाद जो मेरे साथ हैं। और अच्छे कोच के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ, आप बुलाइए मुझे, मैं आऊँगा, कोई बात नहीं है, कोई कहीं भी है मैं पहुँचूँगा। केवल कोच अच्छा होना चाहिए, बच्चों के हित में होना चाहिए, हमारी युवा पीढ़ी के हित में होना चाहिए। मैं हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ। चलिए अभी इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।